नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने एडीआर की रिपोर्ट रखी और 64% मंत्री दागी हैं ये बताया। सदन के अंदर, सदन के बाहर ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं और सदन के अंदर रखेंगे और विधानसभा अध्यक्ष को भी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने ये रिपोर्ट रखी और कहा कि 64% मंत्री जो है नीतीश सरकार के दागी हैं, यानी 18 मंत्री, 30 मंत्रियों में 18 मंत्री जो हैं वो दागी हैं नीतीश सरकार के। तो सदन पटल पे ये रिपोर्ट रखी तेजस्वी यादव ने। हालांकि इस दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट तो सब जानते हैं, ये जगजाहिर है, पूरी दुनिया के लोग इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में सबको पता है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि इस रिपोर्ट में तो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला होता है वो भी दर्ज होता है और मेरा भी नाम इसमें है, ये कहा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मेरे ऊपर भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और वो भी इस रिपोर्ट में दर्ज है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपका भी नाम इसमें है और ज़्यादातर लोगों का नाम, ज़्यादातर विधायकों और मंत्रियों का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज है। तो एक तरह से अगर यूं कहें कि विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव के उन वादों को हवा निकाल कर रख दी वहां पर सदन के अंदर, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जिस तेवर में कहा था कि वो पूरे मंत्रियों की रिपोर्ट लेकर आए हैं और वो सदन को सौंपेंगे। तो साफ साफ विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि इस रिपोर्ट में तो सभी के नाम शामिल होंगे, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज वाले केस वालों को भी इसमें रखा गया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये रिपोर्ट जगजाहिर है, सभी लोग जानते हैं, ऐसे आप इस रिपोर्ट को पटल पर रख दीजिए। तो ये सदन के अंदर की हम कार्रवाई की बात बता रहे हैं जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिपोर्ट सौंपने के लिए खड़े हुए। तो क्या कुछ हुआ, क्या है पूरा प्रकरण, पहले आप देखिए। आप शून्यकाल लिए जाएंगे, रक्षण आप ही के निर्देश था महोदय, आप जान रहे हैं संक्षिप्त में, क्योंकि आज 12:30 बजे ही सदन एकदम का कार्य है। आपका निर्देश था कि जो हमारा जो बयान था उसमें तथ्यों के साथ हम बात को रखें। तो हमारे पास महोदय एडीआर का जो है वो रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस 18 मंत्री, 64% मंत्री जो है उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। इसमें महोदय जो वो तो सब देख लिया, इसको तो पब्लिक डोमेन में आया हुआ है। पटल पर महोदय हम जो है रखने का काम करें, आप रख दीजिए, वो तो पूरे पब्लिक के सामने रखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय कॉपी भी अखबारों में भी ये कई बार आ चुका है। देखिए एडीआर के अंदर में आचार संहिता को ही क्रिमिनल में शामिल कर लेता है अध्यक्ष, इसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो भी आईपीसी सेक्शन, देखिए सभी माननीय सदस्यों का ये एडीआर में जो डिटेल है, विवरण है, सबके बारे में है, आप दे दें, शराब खबर दे दें। इसमें महोदय जो मंत्री जो है इंडिविजुअली जिन जिन लोगों का है वो भी जो है रिकॉर्ड में, ये तो दिए ही है शपथ में, जिन्होंने डिक्लेयर खुद किया है ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है महोदय। और इसमें 50% से भी ज्यादा जो सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, बलात्कार, मर्डर, वो ऐसे भी केसेस है महोदय। तो राजीव कुमार मुन्ना यादव महोदय, हम चाहिए प्रोसीडिंग का इसका पार्ट बनाया जाए, रिकॉर्ड में रखा जाए। एडीआर का सारे माननीय सदस्यों के बारे में डिटेल दिया गया है और एडीआर को प्रोसीडिंग की पार्ट की जरूरत नहीं, वो तो पूरा देश और दुनिया उसको देखता है। अध्यक्ष महोदय हम ही से मांगा गया था, हमें रख दीजिए, हम कहे कोई नई जानकारी आपके पास है इसलिए हमने कहा था कोई नई जानकारी है तो है। इसमें जो मंत्री नई जानकारी दी है क्या, इसमें मंत्री जी का जिस पे आरोप लगा है उस चीज का भी जिक्र है उसमें, हमारे बारे में भी आरोप होगा, एक आचार संहिता है 10 साल पहले का उसकी भी जिक्र है। अब यही समझ लीजिए कि इसमें कोई नहीं बचे हुए हैं, सब पर आरोप है, आचार संहिता भी है और इसमें आप भी नहीं बचे हैं अध्यक्ष महोदय। चलिए श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, तो इसका प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए महोदय, दे दे, आप सभा पटल पर रख दीजिए, वो तो पब्लिक डोमेन में है ही। अब आप कहाँ पढ़ने लगे, यहाँ बोलिए आप, बोलिए आप। तो देख लिया आपने कि किस तरह से तेजस्वी यादव जब सदन के अंदर खड़े हुए और उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर
64% तो दागी मंत्री हैं, पर साथ उन्होंने ये भी साफ किया और कहा कि 50% से ज़्यादा जो हैं सीरियस टाइप के केस वाले मंत्री हैं, जो जिन पर क्रिमिनल केसेज हैं, जो सीरियस वाले हैं, किडनैपिंग, रॉबरी, बलात्कार और मर्डर जैसे केस हैं, वैसे मंत्री भी नीतीश सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो ऐसे भी हैं, सीरियस केसेज वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि इसे, इस रिपोर्ट को इस प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए। तो साफ साफ पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इसमें तो तमाम लोगों के नाम शामिल हैं, आचार संहिता उल्लंघन का मामला जो होता है वो भी इसमें शामिल है और उसे भी उस गिनती में शामिल कर लिया गया। तो उस हिसाब से तो आप पर भी केस है और हमारे ऊपर भी केस है और अन्य मंत्रियों पर भी केस है और विधायकों पर भी केस है, तमाम लोगों पर केस है। तो इस रिपोर्ट के बारे में नहीं, कुछ आपके पास नया हो तो जिक्र कीजिए, ये बातें विधानसभा अध्यक्ष ने कही। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा, तो इस रिपोर्ट को रखने की बात कही तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप पटल पर रखिए, पर इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तमाम बातें जग जाहिर हैं, लोग जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो सदन के अंदर अगर कहें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तेवर के साथ रिपोर्ट रखने की बात कही थी और हालांकि उसकी हवा निकाल दी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, अगर आपके पास कोई नई जानकारी हो तो रखिए। सबसे पहले आप ये आपको बता दें कि इस मामले में खास करके तेजस्वी यादव के निशाने पर रामसूरत राय हैं, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के वो हैं और उन्हें घेरने की पूरी तैयारी तेजस्वी यादव ने की है। उनके बारे में भी रिपोर्ट उन्होंने तमाम तैयार करके रखे हैं और रामसूरत राय पर लगातार हमलावर हैं तेजस्वी यादव और उन्होंने और भी मंत्रियों का खाका निकाला। हालांकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, एडीआर की रिपोर्ट थी और ये बोले कि जग जाहिर है, सभी जानते हैं, कुछ नया हो तो बताइए आपके पास। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।